रूबीज टिप्स एंड ट्रिक्स में अभी मैं बनाने लगी हूँ चीनी वाला पराठा। अभी रात के 2 बज चुके हैं और जाहिर है कि समर वेकेशन है और बच्चों को भूख लग जाती है, तो उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा होता, कहीं से कोई चीज़ भी ऑर्डर नहीं हो सकती। तो एक वाहिद चीज़ ये है जो कि हम भी बचपन से खाते आए हैं और इसी तरह बच्चों को भी, जब किसी भी ऐसी चीज़ का टाइम ना हो तो आप चीनी वाले पराठे की ऑफ़र करते हैं। तो सबसे पहले मैं चीनी वाले पराठे के लिए आपको बताती हूँ कि ये एक चीज़ जो कि आप बना के रख सकते हैं। तो पराठे को क्रिस्पी बनाने के लिए आप आम घी में, कोई भी घी ले लें, मेरे पास तो ये देसी घी था, तो ये मैं 2 चम्मच इसमें डालती हूँ, 2 से 3 चम्मच डाल लें, कोई भी कंटेनर ले लें। ये एक दफ़ा आप बना के रख लेंगे और जब तक ये ख़त्म नहीं होगा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ज़रूरी नहीं कि आप फ्रिज में रखें, आप इसको बाहर किसी भी जगह पे रख सकते हैं, लेकिन इसको घी में मिक्स करना है। ये तकरीबन 3 चम्मच मैंने घी ले लिया और ये कॉर्न स्टार्च, इसमें 1 चम्मच इस घी में कॉर्न स्टार्च को मिक्स करना है। ये सिर्फ चीनी वाले पराठे को क्रिस्पी करने के लिए नहीं, आप नॉर्मल पराठा भी बनाएं, बेशक वो ऑयल से बनाना हो या किसी भी घी से, तो उसके जो अंदर लेयर्स में जो लगाया जाता है घी, उसमें अगर आप इस तरह से कॉर्न स्टार्च मिक्स कर लें और फिर उसको लगाएं, तो जो भी पराठा बनाएंगे वो इंतहाई क्रिस्पी बनेगा। आप नॉर्मल तवे, नॉर्मल पैन में भी बनाएंगे, ये भी एक तवा है लेकिन ये इलेक्ट्रिक तवा है, तो इसको इसलिए मैं इस्तेमाल करती हूँ कि ये आपको दिखाना ज़्यादा आसान हो जाता है। लास्ट टाइम मैंने अचारी पराठा बनाया था तो वो भी मैंने स्क्वेयर बनाया था, तो इसलिए मैं हमेशा जो भी किसी चीज़, जब किसी चीज़ को अंदर डाल के या स्टफ पराठा बनाना होता है तो मैं स्क्वेयर बनाती हूँ। उसका एक फ़ायदा ये होता है कि जो भी मसाला, जो भी चीज़ होती है उसकी आखिरी बाइट यानी लास्ट किनारों तक होती है और उसका टेस्ट आपको हर एक बाइट में आएगा। ये वो जो हमने घी बनाया है कॉर्न स्टार्च वाला, वो हम इस पे इस तरह से लगा देंगे। इसका कोई पेड़ा नहीं बनाना, सिर्फ आपने हमेशा जब भी कोई रोटी बनाए तो आप नॉर्मल आटा उठाएं और उसको किसी भी तरह से बेल लें। जाहिर है जिनको पराठा बनाना आता है उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं, पर जिसको रोटी या पराठा नहीं बनाना आता उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए कोई उसको भी पेड़ा करने की ज़रूरत नहीं, किसी तरह से भी आप रोटी बनाएं। और ये चीनी आप जितनी भी चीनी उसमें डालना चाहें, मैंने 2 चम्मच चीनी इसमें डाली है। यहाँ पे एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि कभी ऐसा होता है जब हम छोटे थे तो जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने भी चीनी वाला पराठा खाना होता था, लेकिन वो ये कहते थे कि बेटा चीनी ज़रा कम रखना। तो आप मुझे बताएं कि चीनी वाला पराठा हो और उसमें किस तरह से चीनी कम की जा सकती है। हाँ, ऐसा मुमकिन है कि आप उसमें 2 चम्मच की बजाय 1 चम्मच चीनी डाल दें। मेरी अब्बी जान,
मेरे अब्बू को जब भी रात को कभी लेट नाइट भूख लगती थी तो वो हमेशा चीनी वाले पराठे की फरमाइश करते थे, और मैं जब भी चीनी वाला पराठा बनाती हूँ मुझे मेरे अब्बू बहुत याद आते हैं, क्योंकि रात लेट नाइट का ये स्नैक होता था। मैं इन चीजों को साइड पे करती हूँ। देखें, इस तरह से एक जो अनाड़ी बंदा है जिसको पराठा नहीं भी बनाना आता, वो भी इस तरह से आराम से पराठे को ऊपर डाल सकता है। आप चीनी वाले पराठे को कभी भी हाथ से ना पलटें, क्योंकि ये इसमें जो चीनी होती है वो मेल्ट हो चुकी होती है, और अगर आप उसको हाथ लगाएंगे तो वो आपके हाथ के साथ चिपक जाएगी। अभी भी आपको इसकी क्रिस्पीनेस नजर तो आ रही होगी, लेकिन जूं ही जब थोड़ा सा ठंडा होगा तो इंतहाई क्रिस्पी और क्रंची हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट ये पराठा रेडी है। आपको एक चीज और बताऊं, चीनी वाला पराठा आप कभी भी किसी अखबार या किसी पेपर टॉवल पे बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि वो उसके साथ चिपक जाता है। ये देखिए, ये फ्रंट साइड और ये बैक साइड, लेकिन कोई भी इसमें या डिफरेंस नहीं फील कर सकता कि कौन सी फ्रंट है और कौन सी बैक है। लेकिन मैंने चूंकि इस पराठे को पलटा था तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा है कि ये इसकी फ्रंट है और ये इसकी बैक है। तो आपको ये चीनी वाला पराठा कैसा लगा? अगर अभी भी आप रात के 2 बजे या 1 बजे इस वीडियो को देख रहे हैं और थोड़ी सी भी भूख लग रही है, तो फिर उठिए और इसी तरह से चीनी वाले पराठे को बनाएं और इंजॉय करें। मैं बनाने को 8-10 पराठे भी बना के आपको शो कर सकती थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था, इसलिए कि पराठा तो एक ही बना के आपको दिखाना मकसद था कि किस तरह से ये चीनी वाला पराठा बनाया जाता है। तो आप भी इस पराठे को बनाएं और एंजॉय करें, और मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें कि लेट नाइट अगर किसी भी स्नैक को दिल करता है तो फिर आप क्या बनाते हैं। लेकिन अगर आप आइंदा इस तरह से चीनी वाला पराठा बनाएंगे तो फिर हमेशा आप चीनी वाला पराठा ही बनाएंगे। मेरे बेटे को जब भी रात को 2 बजे कोई भी चीज़ खानी होती है तो वो चीनी वाले पराठे की डिमांड करता है, और अगर उस वक़्त आटा गूंदा हुआ ना हो तो समटाइम्स वो आटा गूंदने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही थी। तो आप भी इसी तरह से पराठे को बनाएं, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।